नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जम्मू नॉर्थ 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रत्याशी जनाब श्यामलाल शर्मा जी। देखिए, वो कोलेशन कह रहे हैं, मैं उसको कोलेजन बोलता हूँ। यहाँ कहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने शिद्दत से कंपेन करनी चाहिए वो नहीं कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो सबसे बड़ा जम्मू प्रोविंस के लोगों के साथ आस्था के साथ आघात किया है। जम्मू के लोग जो हैं वो राष्ट्रवादी, वो कह रहे हैं कि अगर एनसी की सरकार आएगी तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमें रो रो के लेना क्यों है, हम तो डिग्निफाइड। और ये डोमेन स्टेट असेंबली की थोड़े है, तो अजय स्लोत्रा जी कैसे दे सकते हैं? चाहे तो इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं, एनसी के सीनियर लीडर में नहीं, एनसी के लीडर नहीं है, वो फॉलोअर हैं और बंधुआ मजदूर हैं, लेकिन फिर भी ये धूम हला के उन्हीं की चाकरी करते हैं। लेकिन पार्टी डिसिप्लिन के तहत उनको तो फिर दे आर नॉट लीडर ना, दे आर फॉलोअर्स, वो स्लेव्स हैं। फारूक अब्दुल्ला जी कुछ भी बोल सकते हैं, उम्र दराज भी हुए हैं, मैं उनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ। कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानता। ये दिखाना है वर्ल्ड को कि हिंदुस्तान एक कितना बड़ा प्रजातंत्र लोकतंत्र देश है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से, नहीं तो इन्होंने कहना जी रिगिंग हो गई। वो उनको पूछ लेना फिर बारामूला से 212,000 वोट से क्यों हारे। एग्जाम है उमर साहब का, और कहते हैं कि 2 से 3 फैमिलीज हैं जो कश्मीर की, बीजेपी हाथ धो के उनके पीछे पड़े। पॉलिटिकल कैरियर तो डेमोक्रेसी में लोग खत्म करते हैं, बीजेपी को क्या लेना। हाथ नहीं मिला, सब कुछ मिला हुआ है। ओके सर, हाथ कहाँ है, सब कुछ मिला हुआ है। ऑलराइट, इस आमाम में ये सारे नंगे हैं। राहुल गांधी कभी लीडर बन नहीं सकता, मैंने उसको नजदीक से देखा है। इमोशन है और जोश के साथ साथ होश है, और बड़ी देर के बाद जो आप देख रहे हैं कि हमारा टर्नआउट जो है, जो 2 फेस हुए हैं जी सर, वो बड़ा इनकरेजिंग इंडिकेटर है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका द नवजोत सिंह शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं जम्मू नॉर्थ 79 कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रत्याशी जनाब श्यामलाल शर्मा जी, जो कि जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन हैं। हम आज इस पॉडकास्ट में इनसे जानेंगे कि जम्मू कश्मीर का जो चुनावी रुझान है, किस तरह से वो उभर रहा है, और इनकी इस चुनावी माहौल में क्या प्रतिक्रिया। सबसे पहले सर, बहुत बहुत आपका वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। देखिए, जहाँ तक आपने ये कहा है कि डेमोक्रेसी में ये जो एक बड़ा वाइटल कंपोनेंट था हमारा लेजिस्लेचर, राइट सर, ये जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन और बाकी चीज़ें हुई जी सर, और 370 और 35 ए के जाने के लिए, उसके बाद डिलिमिटेशन हुई, तो कुछ जातियाँ जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स जहाँ रही हैं कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज जी सर, उनकी वजह से डिलिमिटेशन में भी मुझे लगता है कि अभी पूरा हक तो जम्मू को नहीं मिला, लेकिन जब दोबारा 2026 में डिलिमिटेशन होगी तो मुझे लगता है कि वो भी डिस्पैरिटी जो है वो दूर हो जाएगी। जहाँ तक आपने कहा कि सिनेरियो क्या है और कैसा है, इमोशन है और जोश के साथ साथ होश है जी सर, और बड़ी देर के बाद जो आप देख रहे हैं कि हमारा टर्नआउट जो है, जो पहले 2 फेस हुए हैं जी जी सर, वो बड़ा इनकरेजिंग इंडिकेटर है राष्ट्र के लिए। वोटिंग भी बहुत ज़्यादा, हाँ वही मैं टर्नआउट पोलिंग का टर्नआउट जो है जी जी, और खासकर घाटी की बात कर रहा हूँ, जम्मू में तो पहले भी होता है राइट सर, लेकिन घाटी में एक वहाँ की जो अपॉर्चुनिस्ट पार्टी थी जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़े से लोग डिविएट हो गए थे, तो आज वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। और राष्ट्र की इम्पोर्टेंस क्या होती है वो उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये बहुत इनकरेजिंग इंडिकेटर है कि लोग इतना बढ़ चढ़ के, किस पार्टी को कितनी सीट्स मिलती हैं वो मैंने नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पे नॉर्मलसी, अमन चैन बहाल करना, और यहाँ पे ट्रू सेंस में प्रजातंत्र लोकतंत्र और लोगों की चुनी हुई सरकार देना, ये प्रायोरिटी है भारतीय जनता पार्टी की। तो सर, जैसे हम जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, 79 नंबर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो पहले सर आप जैसे हमारे अखनूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ते थे, हमने आपके पिछले पॉडकास्ट में काफ़ी डिटेल में आपके पॉलिटिकल करियर का और पर्सनल लाइफ को हमने डिस्कस किया था। आज हम मोस्टली
जो चुनावी माहौल है और पर्टिकुलरली इस कॉन्स्टिट्यूएंसी और जम्मू कश्मीर के, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपके प्रतिद्वंदी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उन्होंने कहा है कि मैं कोलिशन कैंडिडेट हूँ, अजय सदोत्रा जी की बात कर रहा हूँ, कि मैं कोलिशन कैंडिडेट हूँ और आप मुझे वोट करें ताकि हम गवर्नमेंट जो बीजेपी का मिस रूल है उसको ख़त्म करेंगे, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कोलिशन कह रहे हैं, मैं उसको कोलिजन बोलता हूँ, वो कोलिजन है। एक तरफ तो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो चीफ मिनिस्टर, सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं उमर साहब, हाँ, वो यहाँ कहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने शिद्दत से कंपेन करनी चाहिए वो नहीं कर रही है, तो वो कोलिजन हेड ऑन है। तो आपको लगता है उनमें समीकरण बैठ नहीं रहा? नहीं, बैठ ही नहीं सकता, वो बैठ ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका ज़मीनी सतह पे उनकी ज़मीन खिसक गई है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो उस समय लोग यहाँ के नकारते थे जब वो अरूज पे थी, राइट। तो अब जो उनकी करनी है, जो उनके कर्म है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो सबसे बड़ा जो जम्मू प्रोविंस के लोगों के साथ उनके आस्था के साथ आघात किया है, वो लोग कैसे भूल सकते हैं कि शंकराचार्य जी का जो टेंपल है जिस पहाड़ी पे, जहाँ आदि शंकराचार्य जी ने तख्ते सुलेमान की कुछ बात, तख्ते सुलेमान कहा उसको शंकराचार्य, उधर कोहे मारन कह दिया हरि पर्वत को। हरि पर्वत सिर्फ पर्वत नहीं है, उसमें दो इष्ट देवियों के, ये मैनिफेस्टो में भी शायद उनके मैनिफेस्टो पेज नंबर 21 में लिखा हुआ है, राइट। और 26 में ये भी लिखा है कि हम तमाम जो टेररिस्ट हैं उनको अनकंडीशनल रिलीज करेंगे और उनको 1-1 करोड़ रुपया रिहैबिलिटेशन के लिए भी देंगे। सरेंडर मिलिटेंट्स की बात कर रहे हैं या किन की बात कर रहे हैं वो लोग? जो एक्टिव हैं, एक्टिव मिलिटेंट्स, एक्टिव भी हैं, सरेंडर भी हैं, टेररिस्ट वेदर इट इज एक्टिव और ओवरग्राउंड वर्कर, राष्ट्र को बेसिकली OGW जो स्टोन पेल्टर्स वगैरह हो गए उनकी बात कर, नहीं वो टेररिस्ट और होते हैं, हाँ दोनों को ये उसकी बात कर रहे हैं जी। सर, जैसे अजय सदोत्रा जी हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हम स्टेट होल्ड रिस्टोर करेंगे, और पिछले कुछ दिन डल के किनारे उमर साहब का एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने बताया कि अगर तो बीजेपी की सरकार आएगी तो वो 2 दिन में स्टेट होल्ड रिस्टोर कर देंगे, लेकिन अगर हमारी आएगी, ये मैंने किसी और इंटरव्यू में भी पूछा था, कविंदर गुप्ता जी से भी सवाल पूछा था, कि अगर हमारी आएगी तो वो रुला रुला के हमें स्टेट होल्ड देंगे, तो इस पर आपकी, उनका इस टिप्पणी के पीछे उनकी क्या प्रतिक्रिया और आपका क्या कहना है इस पर? तो हमें रो रो के क्यों लेना है? और जम्मू के लोग जो हैं वो राष्ट्रवादी, वो कह रहे हैं कि अगर NC की सरकार आएगी तो, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमें रो रो के लेना क्यों है, हम तो डिग्निफाइड, और डोगरा जो है वो अपने प्राइड के साथ कहीं कंप्रोमाइज नहीं करता, राइट। वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और कल भी प्राइम मिनिस्टर जी ने पब्लिक को एड्रेस करते हुए बोला है कि हमारी प्रायोरिटी होगी कि यहाँ पे स्टेटहुड जो है वो देनी है। मुझे बताओ, ये डोमेन स्टेट असेंबली की थोड़े है, तो अजय सदोत्रा जी कैसे दे सकते हैं? Right. चाहे तो इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं, एनसी के सीनियर लीडर में, नहीं एनसी के लीडर नहीं है, वो फॉलोअर हैं, और बंधुआ मजदूर हैं। आप उनको फॉलोअर कहोगे? फॉलोअर हैं और क्या है? आपकी एक और स्टेटमेंट थी, हमने पिछले इंटरव्यू में डिस्कस की थी, आपने कहा है कि जो जम्मू बेस्ड पॉलिटिशियन हैं वो बॉन्डेड स्लेवरी करते हैं, तो आप उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहे हैं? करते हैं ना। अब इस पे बताओ, इतना बड़ा चोट की है उन्होंने हमारे सनातन पे और राष्ट्र पे मिलिटेंटों को छोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी ये धूम हला के उन्हीं की चाकरी करते हैं। लेकिन पार्टी डिसिप्लिन के तहत उनको तो फिर दे आर नॉट लीडर ना, दे आर फॉलोअर्स, वो स्लेव्स हैं, राइट। सर, इसके साथ ही अगर हम बात करें फारूक अब्दुल्ला साहब, जो हमारे NC के लीडर हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पीस, जो शांति को बहाल करने के लिए, हमें पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। कहते हैं आप चाइना से बात कर सकते हो क्योंकि वो आपसे ताकतवर है, लेकिन पाकिस्तान से आप बात नहीं करते हो, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो अपनी जो ज़मीन खिसकी हुई है, इस किस्म के स्लोगन या स्टेटमेंट दे के उसको वो रिट्रीव करना चाहते हैं, होगा नहीं, वैली वेस्ट, क्योंकि उनकी अप्रोच रही है, ये तो ना फारूक अब्दुल्ला की डोमेन है, ये तो पार्लियामेंट का, लोकसभा, ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हमारी जो है, देश का एक संविधान है ना, फिर एक बिजनेस कंडक्ट होता है, राइट सर। तो फारूक अब्दुल्ला जी कुछ भी बोल सकते हैं,
उम्र दराज भी हुए हैं, सीनियर पॉलिटिशियन सीनियर 86 ईयर ओल्ड, बट मैं उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ क्योंकि वो हमेशा स्लिपरी पिच पे रहते हैं। अब मुझे बताओ, पाकिस्तान से बात करते रहे, शिमला एग्रीमेंट हुआ, उससे पहले भी हुआ, फिर भी चार जंगें भी हुई और प्रॉक्सी वार आज 35 साल से जो कश्मीर में और जम्मू में कत्लो घारत हो रही है, राइट, तो वो पाकिस्तान ही कर रहा है। तो जब हमारी सशक्त जो यूनियन गवर्नमेंट है जिसको हेड कर रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कह दिया टेररिज्म और टॉक साइमल्टेनियसली नहीं चल सकती, राइट। ये तो वैसे भी अगर आप देखेंगे मेरी और आपकी क्वारलिंग होती है तो जब कोई बीच में सालस पड़े या बात करने की है कि हम दोनों उसके लिए राजी हूँ, वो हमें जख्म पे जख्म दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो भाषा समझता है वो मुझे लगता है कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस डाइस से कन्वे कर दिया। इसी में फारूक अब्दुल्ला जी ये भी कहते हैं कि हम अपने पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, तो मैं कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हाँ बात तो सेंटर ही करेगा, बात तो हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पड़ोसी नहीं बदल सकते तो कुछ एक पीस का माहौल बनाना चाहिए, फिर उस पर बिल्कुल बनेगा। कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते, राइट सर, राइट सर। और पाकिस्तान की जो इंटरनल आज उसकी जो हालत क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, बॉल लेके आगे पीछे घूम रहा है, भूखमरी है, आईएसआई पूरा उनके कंट्रोल करता है। देखिए वहाँ डेमोक्रेसी भाई साहब प्रमोट नहीं हुई, हमसे एक दिन बड़ा है वो, राइट। और आज हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, 142 करोड़ लोगों का जीवन यापन भी हो रहा है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर आप देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है, राइट सर। और आज हमारी लीडरशिप को किस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है, वो सम्मान माननीय मोदी जी का नहीं है, वो भारत वर्ष का सम्मान है, राइट। और खासकर मैं आपको बताऊंगा इसको क्या तकलीफ है, हमारा पड़ोसी है और टाइम आने पे इसकी मदद भी करते हैं, बिल्कुल। इवन कोविड में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन वगैरह दी जी। लेकिन मैंने कहा लातों के भूत बातें, 53 मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें से 50 जो हैं वो हिंदुस्तान के आन पेज हैं, और खासकर जो प्योर मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने सबसे बड़े बड़े अवार्ड फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनके साथ मोदी जी को दिए हैं, और जो प्रोटोकॉल तोड़ के उनके जो शेख हैं उनके शासक हैं वो प्रोटोकॉल तोड़ के मोदी जी को रिसीव करने आते हैं, राइट। और उनका विजन देखो, आज अबू धाबी में उन्होंने राम मंदिर बनवाया और 39 एकड़ जमीन दी फ्री ऑफ कॉस्ट, भारत के इकोनॉमिक पावर जैसे राइज हो रही है उसी का भी परिचायक है। नहीं, वो समझ गए हैं कि भारत का जो है वो वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंब, वन वर्ल्ड वन फैमिली, वर्ल्ड फैमिली, यस, वो कंसेप्ट वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। G20 में भी हमने वही एक टाइटल वही है सर। एक और जो बात अभी की थी फारूक अब्दुल्ला साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उमर अब्दुल्ला साहब की, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान जो फॉरेन जो गवर्नमेंट्स हैं या जर्नलिस्ट हैं उनका क्रिटिसिज्म हम जब वो करते हैं तो हम कहते हैं कि वो हमारा क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हैं, हमारी इंटरनल मैटर में वो इंटरफेयर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप फॉरेन डिप्लोमेट्स को और उनको बुला के कश्मीर में अपनी इलेक्शंस दिखाते हो, वो कहते हैं ऐसा बिहार में तो नहीं जाता कोई, यूपी में नहीं जाता, कश्मीर में ही आप क्यों, आपके फिर दोहरे मापदंड हो जाते हैं। नहीं, दोहरे मापदंड नहीं, उनका कहना है सर। देखिए ये डाउट क्रिएट कौन करते हैं, यही लोग करते हैं, रिगिंग हो गई, ट्रांसपेरेंसी, और पहली इलेक्शन है, दो फेस हो गए हैं, पीछे जनरल इलेक्शन भी हुई, कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं हुआ, वायलेंस फ्री, हालांकि रेस्ट ऑफ द कंट्री आप बंगाल में देखो, इवन बिहार में, चाहे हमारी मिली जुली सरकार ही है तो वहाँ पे वायलेंस होती है। आप बताओ कि इतनी वॉस अफेक्टेड जो 35 साल से प्रॉक्सी वार को झेल रही है, और चाइना और पाकिस्तान जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हमें डैमेज करने के लिए, तो ये दिखाना है वर्ल्ड को कि हिंदुस्तान एक कितना बड़ा प्रजातंत्र लोकतंत्र देश है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से, नहीं तो इन्होंने कहना जी रिगिंग हो गई, तो ये कारण है, क्योंकि ये मैं नहीं मानूं, दो और दो पांच होते हैं, तो उसके लिए हम अपनी छवि क्यों खराब करें, आके देख लें। आप ये बेसिकली आप कह रहे हैं कि वो हम एक पॉजिटिव लाइट में करने कुछ, ठीक सर। एक और उमर साहब का एक और बयान है, वो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग बयान उन्होंने दिए, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने से लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, जैसे हमने कहा कि 60% से ऊपर वोटिंग हुई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कुछ किया है उसके बावजूद, कुछ किया से उनका तात्पर्य ये था
कि जो तशद्दुद या किस तरह की उनके उनके जो कहने का मतलब है, तो कह रहे हैं उनके बावजूद लोगों ने वोट डाले हैं, उनकी वजह से नहीं डाले हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो उनको पूछ लेना फिर बारामूला से 2,12,000 वोट से क्यों हारे, इंजीनियर शहीद साहब से, किसी से भी हारे। कोई आदमी जेल से इलेक्शन लड़ता है और इतनी बड़ी लेगेसी, शेख महमूद अब्दुल्ला का पोता और पीढ़ी दर पीढ़ी चीफ मिनिस्टर बनते आ रहे हैं, तो फिर कैसे 2,12,000 से एक आदमी, इसके पीछे क्या रीजन होगा? उनकी आप भी राजनीति को बहुत अच्छे समझते हैं। उनकी एंटी इंक्यूबेंसी का एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो गई, डायनेस्टी रूल्स खत्म होगा, जो उन्होंने अपनी सल्तनत जम्मू कश्मीर को बना के रखा है वो ना जम्मू एक्सेप्ट करता है आज, ना उनको कश्मीर, और उनको आउटराइटली लोगों ने बैलेट से रिजेक्ट किया है। साहब ने इंजीनियर शीर साहब की बात की, उस पर भी वो कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है और जमात के जमात को तो बैन कर दिया है, लेकिन उनके कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट मैदान पर उतरे हैं, और अगर बीजेपी का आंकड़ा नीचे रहा तो वो यकीनन इनसे हाथ मिलाएंगे, ये उनका इल्ज़ाम है उमर साहब का। और कहते हैं कि 2 से 3 फैमिलीज़ हैं जो कश्मीर की, बीजेपी हाथ धो के उनके पीछे पड़ गए कि उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म करना। देखिए, पॉलिटिकल करियर तो डेमोक्रेसी में लोग ख़त्म करते हैं, बीजेपी को क्या लेना, बीजेपी तो डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रही है। यहाँ ट्रांसपेरेंट तरीके से 3-tier सिस्टम पंचायतों का इन्होंने नहीं होने दिया। 1989 में, हालांकि वो राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने लाया था पंचायती राज, 93-94 में जाके वो 73rd-74th अमेंडमेंट, यहाँ नहीं हुई, यहाँ हुई नहीं, ये तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने की, अब की इलेक्शन जो हुई थी, जो डीडीसी बीडीसी की हुई उसमें ये हुआ, और वहाँ पे वुमेन को भी रिजर्वेशन दी। राइट, तो ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ए टीम है या बी टीम है, फिर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ए टीम है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं, और उसके बाद भी जब जो पिछली पीडीपी के साथ बनी है तो दे वर वेरी डेस्परेट, और जो उसमें मेन कड़ी थी, हाँ, कुछ बयान आए उसने, देवेंद्र राणा जी ने बिल्कुल खुल के बोल दिया कि ऑलरेडी ये मोदी साहब से बात हुई थी, कुछ किसी से भी हुई, लेकिन दे वर वेरी डेस्परेट अनकंडीशनल। ये पावर के बिना नहीं रह सकती नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब, ये पावर के बिना नहीं रह सकते। अब भी तो उनके वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं, अब भी उनके यहाँ के प्रत्याशी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सरकार तो हमने ही बनानी है, चाहे हम बीजेपी के साथ बनाएंगे। ओके, एनसी वाले, ओके वो तो ये बोल रहे हैं, मतलब बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे, कौन एनसी वाले, ये एक मिनट नहीं लगाते, लेकिन हम हाथ मिला रहे हैं, हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ जा रहे हैं, अब हमने दम सर, पे कोई बाई चांस, जैसे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी कुछ भी हो सकता है, जनता जनार्दन है, तो अगर कहीं थोड़ा आंकड़ा नीचे रहा या जो भी हुआ, तो आप एनसी या एनसी साथ मिलाएंगे या पीडीपी से हाथ, कोई गुंजाइश नहीं रही, कोई गुंजाइश नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया है, आज जो मिलिटेंसी भी है वो कहीं ना कहीं रजीव और फारूक अकार्ड की है। अगर उस समय 1987 में फेयर इलेक्शन करवाते, मफ का था, मफ का जो था 15 सीटें ले जाते वो, राइट, आज सलाउद्दीन नहीं होता, आज ये कत्लो गारत नहीं होती। इन्होंने हमेशा यहाँ पर डेमोक्रेसी को अलिमिटेड करने की और उसका मर्डर किया है। तो कांधार की बात करते हैं ना, जो उस टाइम हुआ था कि फारूक साहब कहते मैं तो फेवर में था नहीं छोड़ने के लिए, जब वो कहते मैंने तो कोशिश की थी कि मैं नहीं छोड़ूंगा उनको, लेकिन तब बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने बोला, कुछ भी कह सकते हैं, अभी उसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, वो कुछ भी कह सकते हैं, वेब सीरीज वो तो कुछ भी कह सकते हैं, प्रमाण के साथ आए। राइट सर, अगर उन्होंने नहीं छोड़ना चाहते थे तो उन्होंने कुछ लिख में होगा। डोवाल साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि फारूक साहब थोड़े रिलक्टेंट थे कि मैं क्यों अपनी उसको लेगेसी को ख़राब करूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, क्योंकि उस वक्त जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे वो भी कह रहे मेरे यहां पे कत्लोगार खून नहीं बहना चाहिए, तो बहुत सारी इंटरनल जो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं आपका रिकॉर्ड स्टेट करूंगा, डोवाल साहब नहीं थे उस समय, एस दुलत सर, दुलत साहब, एस दुलत, और दुलत भी आजकल देखो उम्र का भी तकाजा होता है जी, और कुछ चीज़ें ये होती हैं कि ये ब्यूरोक्रेट और जो टेक्नोक्रेट लोग हैं ये भी पावर के बिना नहीं रह सकते हैं। ओके, और कुछ लोगों में एक ईगो होती है और ईगो हमेशा फॉल्स होती है, तो वो फारूक अब्दुल्ला साहब के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। ऑलराइट सर, इस बार कितनी सीटें बीजेपी अपने बलबूते पर आपको लगता है लेकर आएगी? हम तो टारगेट 50 से ऊपर का लेके चल रहे हैं। कॉन्फिडेंट है सर आप? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है सर। चौधरी लाल सिंह जी ने अभी एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर बीजेपी कॉन्फिडेंट होती तो एलजी की पावर्स को बढ़ाती नहीं, वो कह रहे हैं अगर हम मंत्री बन गए, नाम के मंत्री बने, क्या फ़ायदा उसका,
उनको पता है उन्होंने कुछ नहीं बनना है, वो अपनी डिपॉजिट भी नहीं बचा सकते हैं वसूली से। आपको ऐसा लगता है? 4 लाख, वो 4 लाख से ऊपर वोट लिए थे उन्होंने, वो वोट ले लिए। जी जी, उसका कारण और था। राइट, ये इलेक्शन जो है ये डोगरा प्राइड की हो रही है और लोकल इश्यूज पे, लोकल इशू पे हो रही है। okay. और आज उन्होंने जो खासकर हमारे सनातन पे और राष्ट्र पे जो उन्होंने प्रहार किया है, किस तरह का सर प्रहार? बोल दिया मैंने। okay. के शंकराचार्य okay. जी का 1400 साल का तो इतिहास है मुस्लिम का, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा ये तो ये इनके और उनमें क्या फर्क है? हाथ तो मिला है, कोलिशन में हाथ नहीं मिला, सब कुछ मिला हुआ है। ओके सर, हाथ कहाँ है? सब कुछ मिला हुआ है। All right. इस हमाम में ये सारे नंगे हैं। ओके सर, और मैं आज आपको बोल रहा हूँ 20,000 से ऊपर लाल सिंह मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 68-69,000 कुछ वोटर्स हैं बसोली, ज्यादा हैं, ज्यादा हैं, उससे ज्यादा हैं। हाँ, तो आप कह रहे हैं 20,000 से ऊपर नहीं जाएंगे? ये 20,000 से कम, 15,000 के नीचे नीचे सिमट जाएगा। ओके, आज आप ये लिख लें। All right, sir. कठुआ में सबसे अगर किसी की बुरी हार होगी तो वो लाल सिंह की होगी। ओके सर, राहुल गांधी जी का एक कुछ देवता करके कुछ रिमार्क आया था, उस पर कुछ बीजेपी के लीडर्स ने भी टिप्पणी की थी, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, राहुल गांधी जी को देवताओं की जानकारी नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि इंसान अंदर और बाहर से एक तरह से होना चाहिए, वो देवता स्वरूप ही होता है, इस तरह से कुछ बात नहीं, वो किसी से सीख के आते हैं। ओके, लेकिन उनका जो कल्चर है वो नहीं रहा है। कौन सा कल्चर है? वो मिक्स कल्चर के लोग हैं। मिक्स एज इन सर? अब मुझे बताइए, आदरणीय, अब आपने उनको बोल ही दिया, मेरी मैं इस लेवल पे नहीं जाता। जी जी, बिल्कुल। मुझे बताइए, उनके पिताजी जो थे राजीव गांधी, वो पिता के पिता, ओके, वो पारसी थे। हाँ, श्रीमती सोनिया गांधी जी इटालियन है, इटालियन ओरिजिन से रहे हैं, वो प्रैक्टिशनर कैथोलिक, बट अभी तो इतने साल से भारत में ही रहे। अरे भैया, मैं एक बात बोल रहा हूँ। जी 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 जी, अब मैंने सनातन में हिंदू धर्म में जन्म लिया है, जी जी। आपने सिख धर्म को पद्धति और प्रणाली को अपनाया है। जी जी, जन्म से जात नहीं होती है। जी जी, बट उसके बाद कल्चर हो जाए, कल्चर और हमारी आस्था किस में है? बिल्कुल सर, ठीक है ना जी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक ट्रू सेंस में सेकुलर वर्ड क्या है कि सबकी भावनाओं की कदर, सबकी भावनाओं की कदर करनी। अब वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, और मुझे पता है कि राहुल गांधी जी जब पहली बार कहीं मंदिर गए थे तो उनकी माता श्री ने कहा था कि व्हाट इज दिस मंदिर ट्रैक, ठीक है ना। मैं कुछ चीजों को आप पर्दे में है, अच्छा नहीं लगता मेरे जैसे आदमी को, लेकिन आपने ये बात कही है, राहुल गांधी जी को हिंदू धर्म के बारे में क्या जानकारी है, जो जनेऊ ऊपर से पहनते हैं दिखावे के लिए, तो इसलिए इन बातों को अगर वो नहीं करें, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कभी कभी थोड़ा रिवाइव तो किया भारत जोड़ो के बाद और लोकसभा इलेक्शन में भी कुछ सीटें लेके आए, मैं कुछ सीटें लेके आए ना, मतलब कुछ सीटें लेके एलओपी तो बन गए, चलो एलओपी तक ही जाना है ना, एलओपी तक ही जाना, उनको लगता है ये फर्स्ट पहला। आप ये देखो कांग्रेस श्रिंक कितनी हुई जी, बिकॉज ऑफ, अगर ये कलेक्टिव लीडरशिप की तरफ, हालांकि मुझे कोई सजेशन नहीं देनी, मैं छोड़ के आ गया हूँ, अगर ये कलेक्टिव लीडरशिप की तरफ जाते, राइट, राहुल गांधी कभी लीडर बन नहीं सकता, मैंने उसको नज़दीक से देखा है, वो लीडर, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इस हिंदुस्तान में और जो मोदी जी ने नरेटिव सेट कर दिया है, वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता। राइट सर, योगी जी आए थे जम्मू में कैंपेन के लिए, उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो पीओके जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनेगा, क्या ये पीओजे के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है? उन्होंने कहा कि हम इसको पूरा, वो खुद आ जाएंगे, खुद, लेकिन वो खुद आना चाहते हैं, आप देख रहे हैं जहाँ पीओजे के, जी जी, बल्तिस्तान देख लीजिए, जी, सिंध को देख लीजिए, इवन पंजाब भी देख लीजिए। प्रैक्टिकली सर, अभी आपको लगता है कि इस इलेक्शन से उसका कुछ हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं? वो तो हमने क्या जोड़ना है, प्रीवियस गवर्नमेंट जितनी भी रही है, 1994 में विद वन वॉइस हमारी सबसे बड़ी अपेक्स बॉडी, हमारे पार्लियामेंट ने रेजुलेशन मूव किया हुआ है जी जी, कि हमें वो लेना चाहिए। हाँ, बट सर उसमें टाइम लग सकता है, मतलब देखिए कुछ इशू अभी, बहुत से इशू हैं जी जी, बहुत से फ्रंट हैं, जैसे मिलिटेंसी का, मिलिटेंसी का भी है, चाइना का भी, आप देख रहे हैं, चाइना हमारी जो तरक्की और बहबूदी है अभी, मैं वो नहीं चाहता है। आपके नामग्याल जी हैं जो बीजेपी के एमपी रहे हैं, तो उनसे मैं इंटरव्यू था, वो रिलीज करेंगे, तो उस पर मैं बात कर रहा था, उन्हें डिटेल में बताई किस तरह का वहाँ पे। नहीं नहीं, चाइना आज हमारी जो तमीरी और तरक्की है, और जिस तरह से इंटरनेशनल फोरम है जी जी,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की जो एक्सेप्टेंस है वो कहीं ना कहीं तो इनको खलती है, बड़े कंट्री जो है एकदम, कि आज इनकी इकॉनमी पांचवें नंबर पे आई और हम ओपनली कह रहे हैं कि 2027 में हम तीसरे नंबर पे होंगे और इतना बड़ा कंट्री है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स से भी डील कर रहे हैं, पूरे यूरोप से ज्यादा बड़ा कंट्री है हमारा। अभी कुछ इंटेल, कुछ ऑपरेटिव्स, इंटेल जो एक्सपर्ट्स, इंटेलिजेंस, उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश में जो सिचुएशन बनी है उसमें कहीं ना कहीं ISI का और CIA का हाथ था, ताकि वो जो अभी सरकार, जो शेख हसीना जी की सरकार थी, थोड़ा वो प्रो इंडिया थी, प्रो इंडिया थी, अब उसके बाद क्या है, अभी वो थोड़ी सी एंटी इंडिया वहाँ पे सिचुएशन है या जमात के लीडर्स को, और अब हमारे नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा एक समीकरण बना के रखने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ ये पर्टिकुलर, मैं किसी मज़हब की बात नहीं करता, जी जी, सभाएं कुछ कंट्रियों में बड़े सख्त रूल है, जी जी, अदरवाइज इनकी जो फितरत है, जी जी, एक भी कंट्री इनका ऐसा नहीं है जहाँ पीस होगा, जी जी, कोई मुल्क बता दीजिए मुझे, हालांकि इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ तो इन्होंने बिल्कुल पीसफुल तरीके से वहाँ लोगों को रूल ऑफ लॉ की सेंस पर बेल कराने, एक भी कंट्री बता दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, हुँ. ये सिर्फ रूल करना चाहते हैं। सर आखिरी दो तीन सवाल लेंगे, बिकॉज यू हैव टू रन फॉर द शेड्यूल्स। सर फारूक साहब ने कहा, एक कमेंट है कि कमेंट किया था कि राम सिर्फ हिंदूज के नहीं है, राम सबके हैं, राम एक सभ्यता है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो वो तो भजन भी गाते हैं, भजन भी गाते पर उस पे कायम रहे ना, उस पे लेकिन क्रिटिसिज्म करते हैं उनके जो पार्टी के लोग हैं कि आप तो भजन गाते। मैंने तभी कहा ना कि फरूख साहब कब कौन सा रंग ले लें, फिर भी थोड़ा वो नेशनलिस्टिक उनकी कभी कभी, मतलब उनका लीनिंग रहती है अक्सर बाकी लीडर्स, लेकिन इलेक्शन में वो थोड़ा सा उस रंग में रंग जाते सर, वो तो फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओके, राष्ट्र धर्म से और राष्ट्रद्रोह से सबसे बड़ा बड़ा पाप, गुनाह और क्राइम कोई नहीं। सर एक और इल्ज़ाम जो BJP पे लगता है कि उन्होंने कहा है कि फ्री सिलेंडर मिलेगा जो मुस्लिम फेस्टिवल्स पे, तो उन्होंने फिर उन्होंने कहा है कि ये तो एक जुमले की तरह है, क्योंकि 15 लाख की बात करते हैं वो भी जुमला था, तो इस पे क्या कहेंगे कि ये इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं NC वाले या अपोजिशन वाले? मैं उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता और जनता भी नहीं लेती है, जी जी, अब कहें क्या और क्या कह सकते हैं, उनकी अलग अलग भाषा होती है, जब दिल्ली होते हैं वहाँ अलग भाषा होती है, जब जम्मू होते हैं अलग भाषा होती है, पुंछ में अलग बात बोलते हैं और कश्मीर में अलग बात बोलते हैं, कश्मीर में भी तीन बाउल जो हैं अलग अलग, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल, राइट राइट, तो वो अलग अलग भाषा है जी। लीडर जो है वो स्टेबल होना चाहिए जी। एक थोड़ा सा सेकुलर, एक ओवरऑल क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, नहीं अदरवाइज भी लीडर की जो है स्टेबल होना चाहिए जी जी, वो फॉलोअर नहीं बन जाए। सर अभी जैसे चुनाव के 8 तारीख को जम्मू कश्मीर के भविष्य का फैसला होगा, तो क्या देखते हैं किस तरह का एक रुझान उभर के आ रहा है? 1 तारीख को हो जाएगा भविष्य का फैसला, फर्स्ट को हो जाएगा, हाँ 6 बजे तक जो है वो फैसला, और हो भी गया है, जैसे आपने कहा कि 50 आधा हो गया है, 50 से ऊपर आप उम्मीद, आधा हो गया है। ओके, और पहली बार डोगरा जम्मू का चीफ मिनिस्टर बने, ये सवाल था मेरा कि आप पहले भी कहा है कि आप कहते हैं कि डोगरा जम्मू और हिंदू CM बनना, क्यों नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल, मतलब मेरी 30% पॉपुलेशन है, राष्ट्रवादी लोग हैं, हम उनसे बेटर गवर्नेंस दे सकते हैं। सर आप अपने आप को देखते हैं ना, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मेरी लड़ाई सीनियर लीडर ना, मेरी लड़ाई आज 15 साल से यही है, जो आप बोल रहे हैं 2010 का मेरा बयान और 2013 का है, उस पे पिछली बार भी हमने, और मैं उस समय कैबिनेट मिनिस्टर था जब मैंने ये कहा था कि हिंदू चीफ मिनिस्टर, और उस समय कहा था इसको कांग्रेस से एक्सपेल करो जी, तो आज मुझे लगता है मेरे मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कोई आदमी नहीं होगा, वो मेरे सामने वो सपना जो है वो साकार हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत पहले जब प्रजा परिषद बनी थी तब जे उनकी सोच थी एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, जिसके ज़्यादा नंबर्स होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को जब सीट्स सबसे ज़्यादा जम्मू से मिलती हैं, और वो डोगरा प्राइड्स का भी ध्यान रखते हैं, महाराजा हरि सिंह जो हमारी रहे हैं राजास, जो हमारा कल्चर रहा है, जो हमारी हेरिटेज रही हैं, उनको भी हम संभाल के रखते हैं, हम वारिस हैं, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि कश्मीर की लीडरशिप से हम बेटर गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस भारतीय जनता पार्टी जो है और जम्मू का डोगरा हिंदू चीफ मिनिस्टर जो है वो दे सकता है। सर हम उम्मीद करते हैं आपकी जो गुड इंटेंशंस हैं जम्मू को लेके और पूरे जम्मू कश्मीर को लेके, यू गो फॉरवर्ड विद दैट। एंड जस्ट कंक्लूड करने से पहले सर छम कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेंगे,
छम कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके बड़े भाई के पुत्र श्री सतीश शर्मा जी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे उतरे। अभी मैंने उनका इंटरव्यू किया था 2-4 दिन पहले। तो एक युवा कैंडिडेट हैं, उनको कांग्रेस ने मैंडेट नहीं दिया, तो बट उनके साथ भी काफ़ी लोग, तो आप क्या संदेश उनके लिए कुछ कहना? नहीं, मैं उनको क्या संदेश दे सकता हूँ एज अ पर्सनल? नो नो नो, मेरे जो जाति रिलेशन है, मैं 3 चीज़ें मिक्स नहीं करता हूँ। जी जी जी, मैंने पहले भी आप इंटरव्यू में कहा था, मैं बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ। आई एम नॉट ड्यूल पर्सनैलिटी पर्सन। राइट सर। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी ब्लंट। राइट सर। पर्सनल रिलेशन मेरे एक साइड है। जी सर। पॉलिटिकल एफिलिएशन और मैं कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। राइट सर। तो मुझे अपने कैंडिडेट के लिए आपके माध्यम से भी शम कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, अखनूर कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, राजीव जी हैं, मोहनलाल जी हैं, या जितने भी प्रत्याशी 24 सब जम्मू रीजन से जो 4 डिस्ट्रिक्ट के लड़ रहे हैं, मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के जनता जनार्दन से विनम्र विनती करता हूँ कि एक एक वोट डोगरा प्राइड के लिए, और ओपन बोल रहा हूँ, डोगरा प्राइड के लिए और पहली बार इतिहास को बदलने के लिए और यहाँ अमन चैन लाने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, अच्छे प्रशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये 24 की 24 सीट्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। और हम अपनी जनता जनार्दन से ये वादा करते हैं कि हम जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनमें 100 out of 100 जो है वो हमारा स्ट्राइक रेट होगा, और हम उनकी जो अपेक्षाएं हैं हमसे उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमें उम्मीद है कि 8 तारीख को जो भी नतीजा आता है, जीत डेमोक्रेसी की होगी, जीत लोगों की होगी, और भारत जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत होगी, क्योंकि 2014 के बाद ये पहले असेंबली इलेक्शंस हैं। और हमें उम्मीद है कि जो जम्मू के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, और जो आम नागरिक हैं जिनकी प्रॉब्लम्स वो जूझ रहे हैं, उनको अपने कैंडिडेट मिलेंगे, बेस्ट कैंडिडेट को चूज करेंगे, और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर एक स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं नवजोत जी का, और तमाम जनता जनार्दन से मेरी विनम्र विनती है कि ये मेरी यहाँ से शुरुआत हुई थी एक्टिव पॉलिटिक्स की, और वेरी विरलेंट एंड प्रोफेशनल एथिक्स को भी फॉलो करते हैं। तो मैं तमाम जनता जनार्दन से ये गुजारिश करता हूँ कि नवजोत सिंह शो जो है उसको ज़रूर देखें, और अपने कमेंट्स में ज़रूर अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसको भी उजागर करें, और अगर पॉजिटिवनेस है तो उसको अप्रिशिएट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद।